लिफ्ट में फंसने से वृद्ध महिला की मौत। लिफ्ट नीचे गिरने के बाद में हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली इलाके से, जहां लिफ्ट में फंसने से एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा कांदिवली के चारकोप इलाके में स्थित हाईलैंड ब्रिज नाम की इमारत में हुआ है। मृतक महिला का नाम नगीना मिश्रा बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 62 साल के आसपास थी। खबर के मुताबिक मृतक महिला नगीना मिश्रा अपने परिवार के साथ हाईलैंड ब्रिज इमारत में रहती थी। हादसे वाले दिन मृतक महिला मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकली हुई थी। इस दौरान उन्होंने चौथी मंजिल से लिफ्ट में प्रवेश किया और बटन दबाकर लिफ्ट को चालू किया। वही लिफ्ट चौथी मंजिल से चलने के बाद तीसरे और चौथे मंजिल के बीच आकर अचानक से अटक गई, जिसके बाद महिला ने आवाज लगाकर अपने बेटे को बुलाया। वही मां की आवाज सुनने के बाद बेटा मौके पर पहुंचा और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर लिफ्ट को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला। इस दौरान मृतक महिला के बेटे को करंट लगा, जिसके बाद उसने बिजली का स्विच बंद कर दिया। वही लिफ्ट के दरवाजे को खोलने के प्रयास के दौरान अचानक लिफ्ट चालू हो गई और तेज रफ्तार से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर चली गई। लिफ्ट के तेज रफ्तार के चलते अंदर सवार महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें पास ही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद इमारत में रहने वाले लोगों में भय का माहौल बन गया। आइए सुनाते हैं मृतक महिला के परिजन का इस मामले में क्या कहना है। 21 अक्टूबर 2022 के दिन में मेरी माँ मॉर्निंग वॉक पे निकली और वो लिफ्ट में फंस गई। उस टाइम पे हमने वॉचमैन से हेल्प लिया। वॉचमैन ने जैसे ही उसके दोनों दरवाजों को खोला, लिफ्ट नीचे गिर गई। लिफ्ट नीचे गिरने के बाद में हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम में इंटरनली उनको बहुत ही ट्रॉमा हो गया था, जिससे उनके रिब्स के और हिप्स के बोन सब टूट गए थे, तो ब्लीडिंग की वजह से वो एक्सपायर हो गई। 21 अक्टूबर से मैं लगातार चारको पुलिस चौकी में लगातार वहां पे मैं जाकर इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मेरी FIR ले लीजिए, लेकिन वो लोग लगातार मेरा FIR नहीं ले रहे हैं। मैं राजेंद्र कुमार से कनेक्टेड हूं, जो कि अपना API है, और उसके अलावा मेरा कनेक्शन लगातार मनोहर सिंधे से भी हुआ। उनसे भी बात हुई कि मेरा FIR ले लीजिए, मैं स्टेटमेंट ले लीजिए। इसमें लिफ्ट का टेम्परिंग भी शामिल है और इसमें PWD की रिपोर्ट में भी मुझे काफ़ी दिक्कत है कि वो रिपोर्ट की इश्यू है। वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ एक एक चीज़ के बारे में। सोसाइटी की कमिटी में मुझे यह आरोप है कि वो लोग मुझे उस ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहे जिस ढंग से सपोर्ट चाहिए। एज अ मेंबर मैं उनका पहला आदमी हूँ, न कि लिफ्ट मेंटेनेंस की पहली आदमी है। तो इस तरीके से मुझे उनसे भी शिकायत है कि ये चीज़ें सही ढंग से नहीं जा रही हैं। अगर मुझे पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरी FIR नहीं ले रही है, तो उन्हें भी सामने आना चाहिए, मुझे मेरी मदद करनी चाहिए, मेरे साथ में उनका हेल्प करना चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। मेरी माताजी का नाम नगीना मिश्रा है। वो 62 ईयर ओल्ड थी। वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की मरीज थी, इसलिए वो रोज मॉर्निंग वॉक करने जाती थी।